नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोस्ट और मैं हूं नेहा। बॉलीवुड की गलियों में जितनी भी तरह की खिचड़ियां पक रही है वो सब हम आपके प्लेट में परोसने के लिए हाजिर है। आज शुरुआत करेंगे टिकटॉक से। टिकटॉक के अगर आप यूजर हैं तो जन्नत जुबीर को तो आपने जरूर देखा होगा। यहाँ से फेमस हुई जन्नत की अब तीसरी नई एल्बम आ रही है। एल्बम ट्रैक का नाम है तेरे बिन। तेरे बिन में वो बिस्मिल के साथ नजर आएंगी। ये एक बेहद सैड रोमांटिक गाना है जिसमें जन्नत बिस्मिल के चारों ओर घूमते नजर आ रही है और अपने प्यार का इजहार कर रही है जन्नत, साथ ही अपने प्रेमी से थोड़ा सा समय मांगते हुए नजर आ रही है। अब जन्नत को बहुत तरसा रहे हैं बिस्मिल इस वीडियो में। एंजॉय कीजिए आप ये गाना। तेरे बिना जिया लागे ना, तेरे बिना जिया लागे ना, और कतुम। हाँ, तो ईद के बाद से आ रहे हैं। मैंने बोला था कि giving you all EDs, so my EDs are still on and I really hope ki agli it tak on rahe, and then you know next year I'll give you some different kind of EDs, you know, with some different projects, and I'm very thankful jab se albums aa rahi hai, jo jo sab albums ko individually bahut pyar mila aur logon ne bahut zyada pasand kiya, और इसके लिए मैं वही होप कर रही हूँ कि जैसे अब तक के सारे एल्बम्स को पसंद किया इसको भी वैसे करें, बिकॉज आई लव द सॉन्ग पर्सनली। और एल्बम को हाँ करने का रीज़न ही गाना था, बिकॉज गाना इतना प्यारा है, इतना सूदिंग है। मतलब एक बार सुनने से ना आपका मन नहीं भरेगा, यू नो, दिस इज बैक टू बैक, यू नो, ऑन रिपीट। तो यही रीज़न था। एंड देन द वीडियो इज़ कम आउट सो नाइस, ही संग इट सो वेल, एंड इनका पहला गाना है, उन्होंने एक्ट भी किया है इसमें। सो yeah, I think everything has come out very nice and the song is amazing. It's just that हमने इसको शूट करके बहुत महीने हो गए, ये बहुत महीनों के बाद आया है गाना। I can to see changes in myself also, मैं बड़ी हो गई so काफ़ी वेट कराया गाने ने, बट फाइनली देखो अब आ गया। इस गाने में बिस्मिल ने अपनी आवाज़ दी है, साथ ही जन्नत की ये तीसरी एल्बम है। इनकी पहली दो एल्बम बहुत हिट हुई है, अब आप के सामने जन्नत अपनी तीसरी एल्बम के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है इनका ये तीसरा एल्बम भी आपको पसंद आ रहा होगा। सीरियल सर्वगुण संपन्न में जानवी अब बन गई है पूजा। पहले जानवी एक सीधी साधी लड़की थी, लेकिन अब पूजा एक टेढ़ी और विलन के रूप में नजर आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्यों जानवी बन गई है पूजा? पहले आप जानवी से पूजा का गेटअप चेंज देखिए। पूजा शर्मा से मिलना चाहेंगे, जानवी का पूरा लुक चेंज हो गया है। बिल्कुल, जानवी का लुक चेंज हो गया है, जानवी के रिश्ते चेंज हो गए हैं। अब जानवी वो है जो एक्चुअली है, पूजा। तो पूजा को कैसा फील हो रहा है, यू नो, मतलब खानदान से बदला लेना था, बदला लेना, डैडी से जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दिया है। सो शी इज एट पीस, बट ऑफ कोर्स अकेली हो गई है, इसकी बहन उसे छोड़ के चली गई है अम्मा के यहाँ। कहने के लिए अम्मा तो अम्मा भी है साथ में, बट अब क्या उसकी जीने का जो एक मोटिव था वो उसने अचीव कर लिया है। बट उसके अलावा उसकी जो बहन उसके हमेशा से जो साथी रही है वो उसको छोड़ के चली गई है। सो शी इज़ काइंड ऑफ अलोन, बट ऑफ कोर्स शी इज़ अ फाइटर। अब जो कंपनीज उसने अपने नाम करा लिया वो वहाँ जाने वाली है। सो आई एम गोइंग टू बी अ बिजनेस वूमन, कभी किया नहीं है लाइफ में, तो अब वो करने जा रही है। सो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फेज, जहाँ पे बार बार कबीर मित्तल मुझसे टशन लड़ाने आ जाता है, एंड आई गिव हिम अ टफ टाइम, आई रियली गिव हिम अ टफ टाइम। या तो मित्तल परिवार से बदला लेने के लिए जानवी ने खुद को मार दिया और बन गई है पूजा। कॉर्पोरेट लुक में पहली बार पूजा बेहद सेक्सी नजर आ रही है। खैर, मित्तल परिवार से बदला लेते लेते पूजा कबीर मित्तल के करीब आ जाएंगी, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है सीरियल में। सीरियल ये उन दिनों की बात में, अगर आप होली का आनंद लेना चाहते हैं बगैर मौसम, तो ये एपिसोड बिल्कुल मत छोड़े। वैसे तो होली मार्च में आती है, लेकिन रंगों के सराबोर में ये उन दिनों की बात सीरियल के सभी कैरेक्टर डूबे हुए हैं। देखिए पहले कि कैसे नैना, समीर और समीर की माँ, बहन सब रंगों में डूबे हुए हैं। Yeah.
समीर को छेड़ते हुए नजर आएंगी। वहीं उनके सास उनसे एक बार फिर मुंह फुला रही हैं, लेकिन उनकी बहन दोनों का पैचअप करा रही है। लेकिन कैसे नैना इस पर्व में सबको मना लेंगी, ये इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, तो मिस ना करें ये एपिसोड। करण कुंद्रा और अनुषा ने कैसे खुल के किया ऐलान कि दोनों का एक दूसरे पे है क्रश। देखिए जरा कैसे अनुषा कह रही है कि करण उन्हें पसंद है, लेकिन जैसे करण ने ये ऐलान किया कि अनुषा उनकी नई क्रश हो गई है, तो अनुषा शर्म से लाल हो गई। जरा पहले अनुषा का चेहरा देखिए। समथिंग रिफ्रेशिंग, क्योंकि हर सॉन्ग में अभी रैप हो रहा है और ये सब, विच इज़ कूल टू, बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ नाइस टू गो बैक थोड़ा सा पीछे, यू नो द सॉन्ग्स वर स्वीट एंड रोमांटिक एंड सो आई लाइक इट, आई लाइक इट। आई थिंक अदिति सिंह हैज़ डन अ रियली गुड जॉब विद द सॉन्ग एंड शी इज़ लाइक फैमिली टू अस, और उसी के लिए कर रहे हैं। बट जेन्युइनली गाना बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाया है और बहुत ही अच्छा कंपोज किया है, और जो शूट भी हो रहा है वो बहुत ही मोमेंट्स पे है। इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ ट्रीटिंग एंड यू नो जो इसकी स्टोरी है वो भी थोड़ी सी अलग है, एंड इट्स रियली नाइस। आई मीन पीपल आर गोना एंजॉय द सॉन्ग एंड अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के गाने की शूटिंग कर रहे थे दोनों। ऐसे में जब करण से पूछा गया कि अनुषा कैसी लग रही हैं, उन्होंने बताया कि उनका तो दिल ही आ गया है उन पे, अब नई क्रश है अनुषा उनकी। लेकिन मौके को बिना गवाए हुए अनुषा ने भी अपना इजहार मोहब्बत कर दिया। उन्होंने भी कहा कि करण अब उनके नई क्रश है। ग्रीन पिकॉक कलर गाउन में अनुषा बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। फिल्म जजमेंटल है का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का पहले नाम था मेंटल है क्या। इस फिल्म में मुख्य रोल में कंगना रनौत नजर आ रही हैं, उनका साथ निभा रहे हैं एक बार फिर राजकुमार राव, और उनके साथ हैं ब्रजेंद्र काला, जिमी शेरगिल, अमेर दस्तूर। फिल्म में कंगना के रोल का नाम बॉबी है, जो कि एक मेंटल पेशेंट है। इस फिल्म के निर्देशक हैं साउथ फिल्मों का निर्देशन कर चुके प्रकाश कोविलदिकर। ट्रेलर के मौके पे कंगना ने बताया क्यों खास है ये फिल्म और कैसे समाज के लिए मैसेज छोड़ रही है ये फिल्म। आप खुद सुनिए कंगना क्या कह रही है। सर अभी जब कोई भी चीज कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पता है हमको जो है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है। उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को कई तरीके के थ्रेट से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पर कर दिए थे, और ऐसा कहा जा रहा है, जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल, जो किक फिल्म है सलमान जी की, उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है, पर हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से, अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड, मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है, और हमको पेशी के बाद पेशी, जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया, पर जो साइकाइट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है।
सो फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट मच चॉइस, बट वी ट्रूली बिलीव के जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सिंसियरिटी है, और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला है, वो भी उन्हीं ने, वहाँ पे उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफ़ी हैवी दिल से कहा, फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है, हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर, तो इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा, वो देख के हमें भी थोड़ा सा वो हो गया. सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आर इंटेंशंस, एंड जिस इशू को लेके, जिन लोगों को लेके बनाई गई है, तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. तो और भी चटपटी बॉलीवुड खबरों से आप रूबरू होना चाहते हैं तो सिटी पोस्ट के बॉलीवुड स्पेशल को बिल्कुल मिस ना करें. हर दिन हर रोज आपके लिए बॉलीवुड के गलियारों से चटपटी खबरें आपके लिए हम मंगाएंगे. आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ. नमस्कार. कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222. साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.